दोस्तों आज का वीडियो बहुत जानकारी से भरा हुआ है सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ये जो है इलेक्ट्रिक कार है उसकी डीसी मोटर जो है 24 वोल्ट पे चलती है और 250 वाट उसकी पावर है, मतलब नॉर्मली ये 10 एम्पीयर करंट लेगी बैटरी से। अगर सोलर पैनल लगा है तो वो उसको ऐड करेगा करंट को, ठीक है। तो और आप जानते हैं कि पहले देखा आपने वीडियो मेरे कि ये दोनों बैटरी हमारी ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है, मतलब सपोर्ट के लिए रखी है, 1-2 किलोमीटर चल जाती हैं। तो हम आज क्या करने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं कि सोलर पैनल किस तरह से ईवी को सपोर्ट करती है, उसका माइलेज बढ़ाती है और बैटरी की लाइफ को बढ़ाने में कैसी हेल्प करेगी, आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास 2 मल्टीमीटर हैं और एक जो हमारा ये मल्टीमीटर है ये जुड़ा हुआ है सोलर पैनल से और ये कितना करंट आ रहा है सोलर पैनल से ये आपको दिखाएगा। तो 3.5 एम्पीयर करंट अभी आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है लेकिन क्योंकि बैटरी हमारी ख़राब है तो अभी ये रखी हुई थी 4-5 दिन से तो डेड थी बिल्कुल। तो मैंने जैसे इसको लगाया ना तो आधे घंटे में ही फुल दिखाने लगी। तो बैटरी जब ख़राब होती है तो यही होता है, चार्ज जल्दी होती है और डिस्चार्ज भी जल्दी होती है। तो ये हमें मिल रहा है इस टाइम करंट और ये हमारी जो है ये गई है मोटर में, ये हमारी जो है जब मोटर को ऑन करेंगे ना चलाएँगे गाड़ी को तो इसमें कितना करंट जा रहा है मोटर को ये शो होगा। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होता है ना मोटर्स अपनी नॉर्मल करंट से 1.5-2.5 गुना तक करंट ड्रॉ करती हैं स्टार्टिंग के समय। तो शुरू में बहुत ज़्यादा करंट ये ड्रॉ करेगा फिर उसके बाद नॉर्मल करंट हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि इस गाड़ी को चलने में कितना सोलर से करंट मिल जा रहा है और कितना ये बैटरी से ड्रॉ करने वाला है, ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग। तो अब चलाते हैं इसको, तो अभी देखिएगा चलाएँगे ना तो सोलर का करंट भी हमारा यहाँ से बढ़ जाएगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा अभी है, धूप अच्छी हुई है लेकिन बैटरी चार्ज है इसलिए कंट्रोलर हमारा जो है इसको ओवरचार्ज से बचा रहा है क्योंकि बैटरी तो ख़राब है, ये समझ रहा है कि बैटरी फुल चार्ज हो गई, अभी अभी कम करंट चाहिए। तो अभी आपको चला के दिखाते हैं, ये हमारा जो पैनल है 315 वाट का है लेकिन अभी आज के टाइम में मुझे हमें करीब 250 वाट तक दे दे रहा है पीक पावर। तो अभी ये मैं चला के दिखाता हूँ, देखना दोस्तों इसका भी करंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, 15 एम्पीयर सोलर तक जाएगा फिर धीरे धीरे कम होगा और इसका करंट बढ़ेगा सोलर पैनल का, ठीक है। तो मैं चला रहा हूँ दोस्तों, देखना आप, ये मैंने एक्सेलेरेट किया और ये आप करंट देखना, 15 एम्पीयर, 13 एम्पीयर, 11, 10 करंट कम हो गया ना। अब ये चलते समय ये करंट नॉर्मल का है, ठीक है। ये गाड़ी हमारा जो है मोटर को हमारे करंट जा रही है 4.3, 4.9, मतलब करीब करीब 5 एम्पीयर करंट हमारा जा रहा है और हमें सोलर से इसमें मिल रहा है 4.9, मतलब पूरा करंट ये सोलर से ले रहा है। अब हम साइडों में जा रहे हैं, देखिए तो साइडों में करंट कम हो गया हमारा, कम हो गया, बैटरी स्लो, देखिए हमारी गाड़ी की स्पीड स्लो हो गई है और ये 4.7 मतलब करीब करीब 4 एम्पीयर अभी बैटरी से ड्रॉ कर रहा है। फिर धूप में जाएंगे करंट बढ़ेगा हमारा सोलर से, 5 हो गया, 5.5 हो जाएगा और ये इसकी करंट भी डिमांड जो है मोटर की वो है 5.6। तो ये हमारा सोलर पैनल पूरा करंट को पूरा कर दे रहा है। तो हमें अभी क्या है बैटरी से बैकअप नहीं लेना पड़ रहा है और बैटरी हमारी सेफ बची हुई है। तो फिर साइडों में जाएंगे, करंट इसको उतना ही चाहिए मोटर को क्योंकि बैटरी दे नहीं पा रही है, इसलिए देखिए गाड़ी का स्पीड स्लो हो गया, बहुत स्लो हो गया और सोलर का जो करंट है 0.5 रह गया, 0.4 रह गया, देखिए साइडों हम लोग आ गए ना, ऊपर साइड है। तो अभी हमारी गाड़ी बिल्कुल बंद हो गई है और मोटर की डिमांड अभी ज़्यादा करंट का है, देखिए 6 एम्पीयर अभी बैटरी से ड्रॉ कर रही है क्योंकि बैटरी बहुत हमारी डिस्चार्ज है। देखिए बैटरी की वोल्टेज यहाँ चेक कर सकते हैं आप, ये बैटरी जो हमारी है 12.8 चली गई है, 24 वोल्ट की बैटरी है 12.8 चली गई। फिर धूप में हम लोग आ गए हैं, अब देखिएगा हम देखिएगा ये करंट की डिमांड उतनी ही है इसकी लेकिन अब इसे पूरा कर दे रहा है हमारा सोलर पैनल। तो बैटरी का वोल्टेज भी आप देख देख सकते हैं जो करंट मिल रहा है सोलर से तो कितना हो गया है, 24 वोल्ट तक ये चला जाएगा अभी सोलर के टाइम में। तो ये सपोर्ट करता है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल को सोलर पैनल, लेकिन ये कामगार तो उन्हीं के लिए है जिन गाड़ियों का मोटर छोटा है, सही 250 वाट का है। तो आपने 315 वाट का पैनल लगा दिया तो पूरी पावर आपको मिल जाएगी सोलर पैनल से, धूप में शैडो पड़ने पे कम मिलेगा लेकिन तब भी सपोर्ट करेगा। देखिए अब हमारी गाड़ी बंद हो गई यहाँ पे क्योंकि हमारी बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज है, धूप में जा करके ये हमें करंट दे रहा है 5.6 एम्पीयर तक। तो पूरा हमारा जो है बैटरी की रिक्वायरमेंट जो है जो देख पा रहे हैं इस मीटर में सोलर से पूरी हो जा रही है। तो बैटरी हमारी सेफ, बैटरी का बैकअप लेना पड़ रहा है हमें, उतनी देर हमें स्पीड अच्छी मिल जा रही है, सारी पावर हम सोलर पैनल से निकाल पा रहे हैं। तो अगर हमें सीधा धूप में चलना होता तो मस्त चलता रहता ये अनलिमिटेड प्रकाश में। तो ये फ़ायदा है दोस्तों सोलर पैनल का। अब अभी सोलर पैनल जो हमारा है ना बिल्कुल क्षैतिज लगा हुआ है, गाड़ी का भाई क्षैतिज होता है
तो वैसा लगा है। अगर सही एंगल पर आके यूज करेंगे आप छत पे, तो आपको घर के लिए भी अच्छी एनर्जी मिलेगी इस टाइम। तो ये हमारा काफ़ी अच्छा है, तो आप भी सोलर पैनल का यूज करिए अपने घरों पे और बहुत ही बढ़िया है। फिर आपको दिखाता हूँ, देखिए बैटरी हमारी देखिए छाँव में आ गई ना, तो ये बैटरी का वोल्टेज देखेंगे 24.8 वोल्ट है, क्योंकि चार्ज हो रही है अभी 0.5 एम्पीयर से। तो अभी देखिएगा जब मैं इसे करंट को ड्रॉ करूँगा ना, मोटर को चलाऊँगा, देखना वोल्टेज कितना ड्रॉप हो जाएगा बैटरी का, क्योंकि जब हाई करंट लेता है तो ये बैटरी डेड है हमारी, मतलब बहुत ख़राब है, तो उस करंट को देने में बहुत लॉस करती है, और ये हैवी डिस्चार्ज। तो अभी देखना आप लोग, मैं अभी को चलाता हूँ उसको, देखिए चलाया मैंने, वोल्टेज कितना पहुँच गया 10.11, देखिए मैंने दबाया हुआ है, फिर छोड़ता हूँ, फिर इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा क्योंकि अब चार्जिंग शुरू हो गई है। दोस्तों ये फ़ायदा है सोलर से, बैटरी डेड है हमारी तब भी हमारा सोलर गाड़ी रोशनी में चल जा रही है, प्रकाश में चल जा रही है। फिर देखिएगा अब थोड़ा इसको मैं धक्का मार के दोबारा से धूप में ले जाता हूँ, देखिए अभी एक बार और ट्राई करते हैं छाँव में ही। देखिए इसी करंट की डिमांड तो इतनी है, लेकिन इस करंट को देने में बैटरी का वोल्टेज बहुत ड्रॉप हो जा रहा है। देखिएगा आप, बैटरी का वोल्टेज हो गया है 12.12 और करंट है 8.3, क्योंकि करंट स्टार्टिंग में ज़्यादा मोटर ड्रा करता है। देखिए देखिए नहीं चला पा रही गाड़ी को, क्या करना होगा, क्योंकि देखिए 10 वोल्ट की बैटरी 8 एम्पियर करंट, 10×8 वाट ही हो पा रहा है इस डिस्चार्ज बैटरी से, 80 वाट ही निकल पा रहा है, और 250 वाट का हमारा मोटर है तो चल तो पाएगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा हिल के रुक जा रहा है। ऐसे बहुत देर करेंगे तो बैटरी की लाइफ और ख़त्म हो जाएगी, अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज है और उसे आप करंट ड्रॉ कर दें तो बैटरी डीप डिस्चार्ज चली जाएगी और ख़राब हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा इसको धूप में ले चलेंगे धक्का मार के। देखिए दोस्तों धूप में ले जाएंगे तो करंट इसका बढ़ जाएगा, आप देखिए आप दोस्तों करंट हमें मिल रहा है सोलर से ये 5.11 एम्पीयर, और हमारा पैनल 40 वोल्ट का है, 40 तो उसको नहीं मानेंगे क्योंकि ये कंट्रोल करके ये 25-26 के वोल्ट पे कंट्रोलर हमारा, कंट्रोलर जो हमारा है ये बैटरी को चार्ज कर रहा है, तो हमें करीब करीब ये मानिए कि 150-200 वाट तक पावर में मिल जाएगी। ठीक है, आज की डेट में आज जो है आपका 2 फरवरी है, दिन अच्छा हुआ है, देखिए दिन अच्छा हुआ, चमकीला हुआ है। तो अब दोबारा चलाते हैं, अभी छाँव में नहीं चल पा रही थी ना, अब चलेगी, देखना ये मोटर का करंट है 15 एम्पीयर, ये सोलर का करंट है 5.5 एम्पीयर, और ये आपका वोल्टेज चेक कर लीजिए आप बैटरी का, देखिए फिर छाँव में जा रहे हैं, फिर स्पीड कम हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में 2-3 सेकेंड जो है बैटरी थोड़ी करंट दे दे रही है, तो उससे हमारा स्टार्ट हो जा रहा है और बाकी हमारा रन जो है सोलर पैनल पे हो रहा है। तो बैटरी स्टार्टिंग के समय हमारी बैटरी की ज़रूरत में पड़ेगी धूप में, और बाकी टाइम सही चलेगा हमारा। देखिए दोस्तों ये बैटरी, ये है मोटर का करंट और ये सोलर का करंट, आधे एम्पियर आपको बैटरी से ज़रूरत पड़ रही है कभी कभी। देखिए अब छाँव में चले गए हम, छाँव में गए तो बैटरी का जो है सोलर का करंट है, सोलर से करंट कम हो गया और हमारी स्पीड स्लो हो गई, और लेकिन हमारी मोटर की रिक्वायरमेंट है ही इतनी, देखिए करंट कम हो रहा है, बैटरी हमारी डिस्चार्ज है। तो ऐसे तो दोस्तों आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक कार पे सोलर पैनल काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर सकती है, हाँ बशर्ते आपका सोलर जो है आपका मोटर की पावर छोटी है, 250 वाट हो या फिर आपका 350-400 वाट की मोटर हो, तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर सकता है। और ये पैनल हमारा पुराना है, नए पैनल से लेंगे तो 315 वाट का पैनल जो है और छोटा हो जाएगा, अगर इस साइज़ का लेंगे पैनल आप आज की डेट में तो ये 350 वाट का हो जाएगा सेम साइज़ का, तो और सपोर्ट करेगा वो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल को, तो इससे क्या होगा आपकी माइलेज बढ़ेगा और सब कुछ अच्छा होगा, मान लीजिए बैटरी की लाइफ भी अच्छी होगी और आपको अच्छी बैकअप मिलेगी। तो आप भी दोस्तों यूज करिए सोलर पैनल को घरों के लिए, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आपका ई रिक्शा पे तो बहुत बेहतर रहेगा ये, अगर इलेक्ट्रिक रिक्शा पे लगाया जाए तो उनके जो ड्राइवर्स बेचारे हैं उनकी इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि उनका माइलेज बढ़ जाएगा, जितना चलते हैं 80 किलोमीटर वो चलेंगे 100, 110, 120 किलोमीटर उसी रेंज के साथ में, अगर ये 250 वाट का भी जोड़ते हैं अपने छत पे सोलर पैनल तो सोलर पैनल दोस्तों बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ कई बार मौसम पे शैडो पड़ने पे कम होता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होता है, फिर तो आपको दोबारा रोशनी होनी होनी है। तो दोस्तों आपको शायद ये वीडियो अच्छा लगा हो, धन्यवाद।